गाइस यस नो हाँ कुछ बोलोगे? ओके 11 to 20 16 और 20 15 17th वाला 16 एक मिनट में लिखता जाऊं 16 17 20 और बोलिए और किसी का है टू 20 चलो 21 to 30 बोलिए भाई सॉरी 28 और कोई है अप टू 30 नहीं है चलो अप टू 40 33 देखो अगर किसी ने यहाँ डाउट नहीं पूछा और बाद में ये एक्सपेक्ट किया कि मैं कभी और डिस्कस करूंगा तो मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा ये बोल दे रहा हूँ मैं आपको अभी पूछो डाउट सब लोग अब तो 40 और कोई 34th वाला भी 36th ओके अब तो 40 हो गया अब तो 50 सो 45th सॉरी 41 हां सर 45 44 4 और अप टू 50 और कोई नहीं ठीक है अप टू 60 58 और अप टू 60 खत्म हो गया भाई डाउट सबके सर हाँ जी सर उसके बाल के एक्सरसाइज में भी डाउट है हाँ 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 रुक जाओ 60 तक हो गया सबका गेट इक्विप मेंस किया है सबने यस चलो 1 to 10 सर एक मिनट उसमें गेट इक्विप और जेई मेन में ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो सब इंक्लूड जो नहीं पढ़ा मेरी बात सुन लीजिए जो भी आपका ऐसा पार्ट होगा जो नहीं पढ़ा हुआ होगा उसे सर्किल करके छोड़ देंगे वो किस चैप्टर में आएगा उस चैप्टर में उसे डिस्कस करेंगे तो अभी आप आपके जो भी डाउट्स है आप बोल दीजिए आप जज मत करिए आप बोल दीजिए मैं जज करता हूँ उसको कि उसको अभी करना है कि नहीं करना है बोलिए आप 1 to 10 7 ओके और कोई 8 7 8 ठीक है हो गया 1 to 10 11 to 20 11 ओके और अप टू 20 में 16 15 12 सर 16 है अप टू 20 सर वो 15 नहीं है सर 15 हटा दीजिए 16 ही चलो अप टू 20 और कोई अप टू 30 सर 16 हो गया सर कौन सा 25 21 अप टू 30 30 सर 29 भी 29 यस अप टू 40 33rd और अप टू 40 अप टू 40 40th वाला ओके अप टू 50 42 47 हाँ सर 50
और एडवांस किया है कि नहीं किया? किया है सर, एडवांस सबने किया है ना? हाँ सर। ठीक है, 1 to 10 सर। ऐसे कुछ है तो अगर एक ऑप्शन समझ में नहीं आया तो वो भी बोल दें। हाँ, आप क्वेश्चन नंबर बोलो, ऑप्शन तब बोलना जब हम डिस्कस करें। ओके सर, एक 16 क्वेश्चन तो मुझे करेक्ट आंसर आ गया, पर जो ऑप्शंस मार ठीक है, आप बोल दीजिए, नंबर बोल दीजिए। 1, 4, 6, 7, 9, 14, 15 बस। और भाई बाकी लोग बोलिए। सर 16 का डी ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर बोल दो, ए बी सी डी बाद में बोलना। और बोलिए, अप टू 28 बोल दीजिए। सर 17। हाँ सर 18 भी। और 22 सॉरी सर 21 नहीं 21 है। अच्छा 1 है, ठीक है। अप टू 28 24 और हो गया 28 तक। पक्का किसी को और कोई डाउट नहीं है इसके आगे? कॉम्प्रिहेंशन में भी डाउट है, अभी बोल दे। नहीं अभी रुक जाओ, पहले 28 तक हो गया सबका? हाँ सर। ठीक है, अब जरा देखिए, कुछ क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग के हैं, कुछ डी ब्लॉक के हैं, और कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के भी हैं, इसमें मिक्स हैं। तो जो केमिकल बॉन्डिंग के होंगे या जो ऐसा होगा जिसे एक लाइन में समझाया जा सकता है उसे तो मैं अभी समझा दूंगा, अदरवाइज क्या होगा उसको चैप्टर तक वेट करेंगे हम। तो अभी कुछ लोगों ने जो नंबरिंग बोली है तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस हैं उसके। मैं स्टार्ट करता हूँ फाउंडेशन बिल्डर से, इतने सॉल्व करने के बाद आगे का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 किसका डाउट है? मेरा। Higher the value of ionization energy of the 5D transition elements are consistent with the क्या प्रॉब्लम है बेटा? सर 16 तो अलग क्वेश्चन है मेरे बुक में तो। हैं? ओह सॉरी, मेंस देख रहे ना। अच्छा आयनिक रेडियाई वाला कह रहे हो आप? हाँ सर। क्या प्रॉब्लम है इसमें, कौन से ऑप्शन में प्रॉब्लम है आपको? सर मैंने डी लिखा हो गलत है। डी लिखा आपने गलत है? हाँ। क्यों गलत है? डी तो सही आंसर है, क्या प्रॉब्लम है फिर? नहीं नहीं सर, इसमें वो प्रॉब्लम था कि सीएल वो नेगेटिव 37 और 35 वो भी ऑप्शन हो सकता है ना? नहीं बेटा, क्यों हो सकता है वो? 35, 37 क्या है आपको पता है? क्या चीज है वो? वो आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स के साइज थोड़ी ना अलग अलग होते हैं, आइसोटोप्स के साइज अलग नहीं होते हैं, इसलिए वो ऑप्शन करेक्ट नहीं है सर। ऐसे टाइटेनियम और मैंगनीज का जो वो कैसे कंपेयर करें? देखो टाइटेनियम और मैग्नीज को पीरियोडिक टेबल में अगर आपके पास हो तो एक बार जरा चेक करिए पोजीशन, दोनों बहुत दूर हैं। हाँ सर। एक दूसरी बात, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटा हो जाएगा साइज। ट्रिक लिखाई थी सर वो एक ही एलिमेंट के लिए था ना? नहीं भैया, चेक करो जरा N3-O2- उन सब पे भी तो लगाया था। ओके सर। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है साइज उतना छोटा हो जाता है। सर पोटेशियम और क्लोरीन
इसका कंपैरिजन देखो, पोटेशियम किस ग्रुप में आता है? फर्स्ट ग्रुप में। सीएल किस ग्रुप में आता है? सेवेंथ ग्रुप में। तो दोनों फार अवे प्लेस्ड है ना। हाँ सर। और अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है सर। तो आयंस के लिए भी सुन तो लो। फिर कैटायन और एनायन में कौन सा बड़ा होता है? एनायन। तो फिर समझे बेटा? हाँ सर। तो 16 क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था कुछ खास। अब सर तो वो एनायन और कैटायन वाला ट्रिक सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं ना। हाँ, बस केवल मैं आपसे बोला था जब कभी भी कंपैरिजन करें तो डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड, ये सब चीजें जरूर ध्यान रखें। ओके सेवेंटीन, देखो वही सेम क्वेश्चन आ गया। अब बताओ सीएल मैंने से पोटेशियम और आइसो इलेक्ट्रॉनिक देन कौन सा बड़ा होगा? बोलिए। सीएल माइनस। तो आंसर हो गया। किसका डाउट था 17 सर? मेरा था। समझ आया भाई आपको? यस सर। ठीक है, एक ही जैसा सर। हाँ सर, तो मतलब उसमें कितना डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन जो पीरियड्स की, अगर जैसे सीएल माइनस और सीएम का अगर हम ले लेते तो फिर उसमें बड़ा नहीं होता। हम देखो, हम जिगजैग मैनर में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम अक्रॉस द पीरियड कंपेयर कर सकते हैं, है ना, डाउन द ग्रुप हम कंपेयर कर सकते हैं, एडजेसेंट के साथ ले सकते हैं। पर आप बोलोगे एक सेकंड पीरियड का है, दूसरा एलिमेंट किसी और ग्रुप के सिक्स पीरियड का है, तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। मतलब हमारे पास कोई फैक्टर ही नहीं है कंपेयर करने के लिए वहां पे। तो वैसा कभी क्वेश्चन होगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास कोई डेटा तो होता नहीं है। अगर डेटा है तो फिर क्वेश्चन में बचा ही क्या। हमें कंपैरिजन करने के लिए जो फैक्टर्स हमारे पास हैं वो डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड यहीं पर रखते हैं, जिगजैग फैक्टर नहीं लगते हमारे पास। ओके सर। सर 20th मेरा ही डाउट था सर, शायद उसमें ऑप्शंस गलत है। अच्छा मैं देख लूं। अब वही पूछ रहा है, सोडियम और क्लोराइड में बताओ कौन सा बड़ा होगा, सोडियम बड़ा होगा कि क्लोराइड बड़ा होगा? क्लोराइड। अब ऑप्शन में क्या दिक्कत है आपको? सर ऑप्शन में बहुत कुछ रिपीटेशन हुआ है। अरे भैया, एटम्स की बात अलग होती है और आयंस की बात अलग होती है, ठीक है। अब पहला आपको बोल रहा है कि रेडियस ऑफ सीएल माइनस, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया आपका, समझ में आ रहा होगा आपको? हाँ सर। क्यों भाई? हाँ सर। अब ऑप्शन बी पढ़ते हैं। कह रहा है क्लोरीन एटम छोटा है सोडियम एटम से, तो ये बिल्कुल सही है। अब बताओ ना एटॉमिक रेडियस क्या होती है अक्रॉस द पीरियड? डिक्रीज। तो फिर कौन बड़ा होगा? सोडियम। अगर ऐसे डिक्रीज होती है तो सोडियम यहाँ पर है फर्स्ट ए में, क्लोरीन 7 ए में है, तो कौन बड़ा हुआ? 1 ए। तो सोडियम इज ग्रेटर देन क्लोरीन नहीं हो जाएगा, समझा? एटम के केस में ये होगा और आयन के केस में ये होगा। Okay, उन्होंने इसी को मिक्स मैच करके दे दिया आपको। 28 किसका है? सर मेरा। क्लास में कराया था हमने क्वेश्चन आपको, आइडेंटिफाई द एक्स करके। अब इसमें चेक करिए, एक बार नोट्स खोल के देखेंगे। हाँ सर। एक आपको बोला था मैक्सिमम गैप इन बिटवीन कहां पर है, याद आया कुछ? सर नहीं करा। क्या बात कर रहे हो, आयनाइजेशन एनर्जी खोलो, उसमें एकदम लास्ट पार्ट में जाओ, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज गिवन। सर उसमें जो लास्ट कराया था वो चार एलिमेंट्स का कंपैरिजन। बाकी लोग क्या बोलते हैं, कराया है कि नहीं कराया? सर ये नहीं कराया था।
चलो अच्छा अब इसको कर ही लेते हैं। मैं 28 को हटाता हूँ, पहले लिख देता हूँ। एक्चुअली सारे बैचेस मर्ज होने के बाद पता ही नहीं चल रहा है किसमें क्या हुआ है। आइडेंटिफाई एक्स आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है। क्वेश्चन जरा सब लोग कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर रहे हैं क्या आप लोग? यस सर। मैं बता दूं उसके बाद करिए, ठीक है? आपको सबसे पहले यहाँ ऑप्शंस भी दे दूं मैं आपको, समझ में आ जाए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एसआई। आपको यहाँ सबसे पहले देखना है कि कहाँ पर एडजेसेंट में गैप मैक्सिमम है। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, बताइए कहाँ पर मैक्सिमम गैप दिख रहा है आपको? 2 और 3, करेक्ट। तो यहाँ से हमको क्या पता चल जाता है कि पहला इलेक्ट्रॉन इजीली निकल गया, दूसरा इजीली निकल गया, तीसरे में डिफिकल्टी हुई होगी। तो अब एक काम करें, हम सबके कॉन्फिगरेशन लिखें। अब देखिए, दो इलेक्ट्रॉन इजिली निकल रहा है, तीसरा डिफिकल्ट है, तो सब में से दो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करो। दिस बिकम 2p5, दिस बिकम 2p6, 3s2 एंड 3s1। अब आप बताइए कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना डिफिकल्ट लग रहा है? मैग्नीशियम। तो आंसर क्या हो गया? मैग्नीशियम। समझ आया? यस सर। कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप जरा प्रैक्टिस भी कर लीजिए, फिर आगे का सॉल्व करते हैं। कॉपी हो गया? यस। ठीक है,
यस सर, हो गया। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को एडिट कर दिया है। अब आप चेक करिए जरा, ये सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। आपको बताना है कि ये एनर्जी ऑर्डर जो गिवन है ये किसके लिए करेक्ट होगा। ऑप्शंस आपके लिए लिखे हुए हैं, स्टार्ट करिए, कॉपी करके ही सॉल्व करिए। भाई हुआ सर? समझ आया कि नहीं है भाई? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हो आंसर क्या गया। आना चाहिए इसका? ए सही नहीं होना चाहिए। नहीं, नहीं। चलो, गैप कहाँ पर मिल रहा है बड़ा आपको? फर्स्ट 102 फर्स्ट और सेकंड। और सेकंड, यानी पहला डिफिकल्ट है, पहला इजी है, फिर डिफिकल्ट है ना। ओके, ये 2P6, ये 3S1, ये 3P1, ये 3S2। ठीक है, आंसर ए है। अब इसका एक शॉर्टकट देख लीजिए जरा, और बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं मैं, सीधे शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। जहां भी गैप मैक्सिमम मिले उसका लोअर नंबर, जैसे 1 और 2 का गैप मैक्सिमम, उसका लोअर नंबर इज द ग्रुप नंबर ऑफ योर आंसर। मतलब समझ में आया? 1 और 2 में 1 लोअर है तो इसका मतलब आंसर शुड बी ग्रुप 1। Is it? Answer. Yes, sir. Previous question पे भी शॉर्टकट लगा के देख लो जो पहले वाला था। ठीक है, अब उस क्वेश्चन पे आते हैं जहां से हमारा डाउट शुरू हुआ था। 20th क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट होगा। जरा चेक करके बताइए कहाँ पे गैप मैक्सिमम है। 4 और 5 में। तो शॉर्टकट के हिसाब से आंसर किस ग्रुप का मेंबर होना चाहिए? फोर्थ। आंसर तो चेक बी करिए होना आ रहा है कि चाहिए। नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, मैच हो रहा है। यस समझ आ सर, गई ट्रिक? यस सर।
ठीक है, ये हमारा 28th हो गया। ऐसा ही है ना, 28th के बाद है 33। 33 का क्या है, किसका डाउट है? बोरॉन इज लेस देन बेरिलियम, किसका डाउट है भाई? ये मेरा बेटा, नोट्स हैं आपके पास? देखो मैंने लिख ही दिया अब तो। खैर अब आप बताइए, इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से डिफिकल्ट है, एस से कि पी से? एस से। तो इसका मतलब पी से इजी हुआ। हाँ। अगर पी से इजी हुआ तो अब जरा स्टेटमेंट पढ़िए आप, 33 के ऑप्शंस पढ़िए जरा। बेरिलियम इज हायर न्यूक्लियर चार्ज देन बोरॉन, नहीं ये नहीं हो सकता। बेरिलियम इज लोअर न्यूक्लियर चार्ज देन बोरॉन, फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन बोरॉन ऑक्यूपाइज 2p। सर तो यही होगा, आंसर क्या हुआ? थर्ड वाला सी। समझ में आया अभी आपको? यस सर। चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 34 पर आते हैं। 34 किसका डाउट है बोलिए भाई, बोलो भैया किसका है? सर मेरा। आप नोट्स खोलो बेटा, IE1 का। अब देखो हमने आपको IE1 IE2 में ऐसे दिखाया था, देखिए एग्जाम्पल लिखा होगा डेफिनेशन के नीचे। हाँ सर लिखा है ना, सेकेंड आयनाइजेशन जी बहुत ज्यादा, इसीलिए Na+2 नहीं बनता है। हाँ बस हो गया वो। ओके है ना। हाँ सर। चलो 36 देखते हैं। 36 किसका है? सर मेरा। अच्छा लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ही ग्रुप के मेंबर हैं? है कि नहीं? आयनाइजेशन जी डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है। हाँ सबसे सर। सबसे ज्यादा किसका होगा? लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, यही ऑर्डर होना चाहिए ना? यस सर। आपको लिथियम का और पोटेशियम का पता है तो सोडियम का आंसर इनके बीच का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर समझ हो जाएगा ना। चलो 36 भी हो गया, अभी 41 पर आते हैं। 41 किसका है? सर मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग गेन्स इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, इलेक्ट्रॉन गेन। देखो इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब ये पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। हाँ सर ये समझा। है ना, और कह रहा है इजीली किस में हो जाएगा, तो सारे के सारे तो ऑलरेडी एनायन है कि नहीं है? हाँ सर। तो अभी एनायन को फिर से एनायन तो नहीं बना सकते ना? बना सकते हो? नहीं, अब उसके लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। हाँ उसके लिए सप्लाई करना पड़ेगा, तो अभी तो हो नहीं पाएगा, तो आंसर नन, इजीली नहीं हो पाएगा, इसलिए आंसर नन है। समझ में आया? हाँ सर। फोर्टी वन के बाद आते हैं 44। 44 किसका है? मेरा है सर। अच्छा बेटा एफिनिटी का क्वेश्चन है, आप एक बार नोट्स खोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन। खोला बेटा? यस सर खोला। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन के नीचे स्टार करके पॉइंट्स लिखे हैं, पढ़ के बताइए पहला पॉइंट क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 इज एक्सोथर्मिक। हां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 ऑनवर्ड्स आर एंडोथर्मिक बिकॉज़ फर्दर एडिशन इज डिफिकल्ट टू द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सेकंड एफिनिटी कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है? हां सर समझ गया सर। समझ गया ना, नीचे देखो एग्जांपल में लिखा भी है हमने उस चीज को। यस सर समझ गया। हो जाएगा ना। चलो 44 के बाद 45 है।
45 किसका डाउट है सर? मेरा। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जरा फैक्टर्स खोलिए। हाँ सर बोला। अब देखिए वहां पे बाजू में ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 के बीच में इंटरचेंज दिखाया है आपको। हाँ सर। एफिनिटी में देखिए जरा ऑक्सीजन सल्फर में किसका ज्यादा है। देखिए सर ए बी डी और ए बी और डी में है इसका ओ से ज्यादा। हाँ तो नहीं, ऑक्सीजन सल्फर का इंटरचेंज है। हाँ सर। ऑक्सीजन सल्फर का इंटरचेंज किस में दिख रहा है आपको? अच्छा इक्वल तो हो नहीं सकता। अच्छा एक एडिशनल स्टेटमेंट लिखो क्योंकि सेलेनियम भी दिया हुआ है। नोट्स में सब लोग ऐड कर लो, ऑक्सीजन जो है लीस्ट इन ग्रुप है, लीस्ट इन ग्रुप सबसे कम होता है ऑक्सीजन का, तो आंसर बी आ जाएगा। इक्वल तो कोई भी नहीं है। सर और नाइट्रोजन और फ्लोरीन के लिए भी वैसा ही है? नहीं 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 नहीं, नहीं वो सब परफेक्ट है, वो एडजेसेंट मेंबर के साथ है, ऑक्सीजन केवल पूरे ग्रुप में चेंज हो जाता है। ठीक है चलो जरा अभी अपन लास्ट रह गया इसका 58 किसका डाउट है? ओ लीस्ट सेलेबल किसका डाउट है ये? भाई जिसका भी है वहां पे केमिकल बॉन्डिंग लिख दो, जिस दिन बॉन्डिंग शुरू होगा वो दिन वो अपने आप हो जाएगा। क्लियर है भाई? Yes, sir. लिख दीजिए वहां केमिकल बॉन्डिंग, सी बी करके डाल दीजिए ऐसे हेडिंग, आपको याद रहेगा। मैं अब आता हूं गेट इक्विप के मेंस पर। क्वेश्चन नंबर 7 किसका है? अरे यार किसका डाउट है सर? मेरा। इस पे मैंने इसे सर्किल कर दिया, और सर्किल करने का मतलब ये हो गया कि ये चला गया सीबी। सीबी मतलब केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, वहां पर आप पढ़ोगे इसको आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन मैक्सिमम वैलेंसी, बताएंगे भाई किसी को आइडिया है क्या? ये पढ़ा तो नहीं है अभी हम लोगों ने, पर डिस्कस कर लेंगे हम इसको, बता सकते हैं? है किसी को आइडिया? यस और नो? मैक्सिमम वैलेंसी जो है ना वो हैलोजन्स की होती है, पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, फिलहाल के लिए लिख लो, छोटी सी लाइन लिखनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में चैप्टर में तो आएगा ही। ठीक है भाई एथ हो गया, इलेवेंथ, इलेवेंथ किसका है? सर मेरा। बेटा ये तो अपन ने किया हुआ है। हाँ सर पहला पॉइंट किया हुआ, पर दूसरा पॉइंट मुझे बी वाला पॉइंट में समझा नहीं। अच्छा ओके ओके गॉट इट। अच्छा वहाँ ट्रांजिशन लिखा, लेंथेनाइड लिखा हुआ है ना, तो लेंथेनाइड सही में नहीं पढ़ा है हमने, लेकिन अक्रॉस द पीरियड जो होता है ना साइज डिक्रीज करता है, बोथ आर करेक्ट, लिख दीजिए आप वो सही आंसर उसका, और वो जो नहीं पढ़ा है वो आगे पढ़ेंगे, वो एफ ब्लॉक का है लेंथेनाइड। ओके सर। सर तो नहीं आएगा ना मेजर टेस्ट में अभी? अरे नहीं क्यों नहीं आएगा, इसमें कौन सा तोप चलाने जैसा स्टेटमेंट है भाई, अक्रॉस द पीरियड तो साइज डिक्रीज ही होता है ना, मींस सारे एलिमेंट्स के लिए होता है ये। हाँ हाँ हाँ, आपने देखो डी ब्लॉक में भी देखा, ये हो सकता है कि कहीं ये लिखा हो कि रेगुलर नहीं है तो ये माना जा सकता है, बट होता डिक्रीज ही है। ठीक चलो अब आ जाओ जरा नेक्स्ट पे, हमने कर लिया 7th, 8th, 11th हो गया, अब 12th पर आते हैं। अरे 12th किसका है भाई लोग? 12th किसका है? हाँ सर मेरा है सर। उसमें वो
करेक्ट ऑल्टरनेटेड ऑल्टरनेट करके लिखा है, मीन्स क्या करना है उसमें? अरे मतलब तीनों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन से? सब कर सब सही है, तीनों ही सही है ना सर? मीन्स कौन सा फैक्टर कंपेयर करना है? अच्छा हाँ, वेरी गुड, ये तो सोचा ही नहीं। साइज, साइज वहां ब्रैकेट में साइज लिखो सब लोग जरा। ओके सर, 12th क्वेश्चन के ब्रैकेट में साइज लिखो। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। 12 के बाद है 15। 15 को क्यों कट कर दिया मैंने? अच्छा हाँ 15 बोलिए। अच्छा 15 नहीं था किसी का, हटा दो। 16 बोलिए भाई, किसका डाउट है? सर मेरा। क्या प्रॉब्लम है इसमें सर? ये 5D ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कैसा होता है ट्रेंड? देखो 5D 6D 7D तो आपको पीरियड्स के नाम दिए हैं, मुझे ये बताओ हमने ये फैक्टर पढ़ा है कि नहीं? हाँ सर। अब स्टेटमेंट को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो जरा। हायर वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द 5D ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कंसिस्टेंट विद द, नहीं वो 5D को 5D पे सोचने की जरूरत नहीं है। वो क्या कहते हैं आपको पीरियड्स जो होते हैं ना, मैं लिख देता हूँ साइड में यहाँ पे। जो 3D सीरीज होती है ये 4th पीरियड होता है, जो 4D सीरीज होती है वो 5th पीरियड होता है, जो 5D सीरीज होती है वो, समझ आया भाई? लिख लीजिए सब लोग। Yes. 21 किसका डाउट है भाई? हाँ सर, उसमें लाइक कुछ ट्रिक है क्या जिससे टाइम कम बनते हो? यार मुझे बताओ रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलो। 86 के आगे का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको। 86 का कॉन्फ़िगरेशन तो समझ आ रहा होगा क्या हो जाएगा, लिखना पड़ेगा बेटा, उसमें कोई ट्रिक नहीं है बाकी। ओके सर, ओके हो जाएगा। ठीक है, हाँ कोई ट्रिक नहीं लगा सकता है। ठीक है चलो, 25 किसका है? सर मेरा। अभी अभी बताया, ट्राई करोगे? हाँ सर। करके बताओ जरा, मैक्सिमम गैप किसके बीच में, देखो जरा। बोलिए। कौन सा नंबर हुआ तो? 5 और 6। तो लोअर नंबर क्या है? 5 है। हाँ सर। तो 5th ग्रुप को हम और क्या बोलते हैं? 15। बस तो आंसर होना पक्का 5। एक मिनट को, 1 2 3 4 5 6 7, क्या बात करो, गलत देख रहे हो तुम। 6 और 7 में गैप मैक्सिमम है बेटा। हाँ तो 7870 का नंबर क्या हुआ, 6 हुआ कि 7 हुआ? 940i1 है। अच्छा ओके ओके समझा, ओके सॉरी, काउंटिंग गलत कर रहे हो तुम। तो 16 ग्रुप हो जाएगा, 6 और 16। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। 25 के बाद आते हैं अपन 29 के ऊपर। Assuming that the elements are formed to complete the 7th period, what would be the atomic number of alkaline earth metal of the 8th period? भाई तो periodic table refer करो यार, पता चल जाएगा। Okay sir। है ना? 29 के बाद 30th। 30th किसका है? मेरा। हाँ इसको हमने पढ़ा नहीं है इसके बारे में, लेकिन थोड़ा आइडिया देते हैं आपको उसका।
थोड़ा आइडिया आपको आ जाएगा हम लोग ने क्योंकि एसिडिक बेसिक में किया था ये पार्ट सेंट होस्ट देखिए आपको मैंने लिखाया था एसिडिक नेचर जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर। ये तो किया है ना हम लोग ने सर। अब अगर कोई कंपाउंड हमारा ऐसा है ठीक तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है बॉन्ड ब्रेक होने की यहां से ब्रेक हो जाए या तो यहां से ब्रेक हो जाए अगर यहां से ब्रेक हुआ तो ये एच आयन फ्री करेगा एंड इसका नेचर कैसा हो गया एसिडिक अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया तो OH आयन फ्री करेगा नेचर कैसा हो गया बेसिक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो एसिडिक और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बेसिक आप सेट कर दीजिए इसके हिसाब से ऑप्शन समझा भाई कुछ तो सी है क्या इसका क्योंकि वो बेसिक है हाँ समझ आया इसके बाद आते अपन 33 पे 33 किसका है सर मेरा क्या प्रॉब्लम आया बेटा बताइए 33 में बताइए भाई 33 में क्या प्रॉब्लम आया आपको हाँ सर हो गया मुझसे अब हो गया नहीं कुछ हो गया ठीक है कट कर देते हैं 40 पर आते हैं 40 अच्छा हाँ 40 नहीं होगा केमिकल बॉन्डिंग कर दीजिए हाइड्रेशन नहीं पड़ा हमने 42 पर आइए ये तो होना चाहिए 42 किसका है सर मेरा बेटा क्या प्रॉब्लम आया जब ये आयंस को अगर तभी वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं ना अपने को क्या कह रहे हो वो ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ना हाँ हाँ आप बताओ ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन सा बड़ा है बोलिए अरे ये 6 ग्रुप है ये 7 ग्रुप है कौन सा बड़ा होगा 6 बड़ा होगा ना डिक्रीज होता है हाँ सर ठीक अब O माइनस 2 और F माइनस और माइनस टू ओ टू नेगेटिव पड़ा होगा समझ आया भाई सर आपने कुछ बोला आप म्यूट पे दे नहीं 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 म्यूट मैं बोल चुका था क्लियर है सर क्या बोला अरे मैं कह रहा हूँ मैं कुछ नहीं बोला मैंने बोलने के बाद म्यूट हुआ मैं अच्छा ओके ओके हाँ 42 के बाद 47 पे 47 किसका है रिपीटेड क्वेश्चन है भाई बोलिए किसी का है कि नहीं अब ये जाने दो 50 किसका है बोलिए भाई सर मेरा ही है केमिकल बॉन्डिंग डाल दीजिए उसके ऊपर ठीक है हम आते हैं नेक्स्ट पे
एडवांस। क्वेश्चन नंबर वन, हाँ बताओ वन में कहाँ पे प्रॉब्लम है, इज आर करेक्ट। मुझे डी ऑप्शन समझा दीजिए। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। ए वाला? डी डी। अच्छा बी सर। डी दिल्ली? हाँ सर। आपको मालूम क्या प्रॉब्लम है? आपको एलिमेंट्स पता ही नहीं है कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है, पता है आपको? हाँ सर, मैंने पीरियोडिक टेबल रेफर किया इसके लिए, लास्ट वाले ऑप्शन के लिए। तो आर्सेनिक सेलेनियम से पहले आता है पीरियड में, ये है अरेंजमेंट। ठीक है, ये है फिफ्थ ग्रुप, ये है सिक्स ग्रुप। पहले तो बताओ फिफ्थ का ज्यादा होता है कि सिक्स का ज्यादा होता है? आयनाइजेशन एनर्जी फिफ्थ का, सिक्स का ज्यादा होगा। अरे फिफ्थ का ज्यादा होता है, क्या बोल रहे हो? इंटरचेंज नहीं होता फाइव और सिक्स के बीच में? नोट्स खोल लो भाई, नहीं याद आ रहा है, नोट्स खोल लो। हाँ सर याद आ रहा है। हाँ सर तो बताओ आर्सेनिक का ज्यादा होगा कि सेलेनियम का ज्यादा होगा? ओके सर समझा। समझा? हाँ सर। चलो वन के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ किसका डाउट है? मेरा। बेटा किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है आपको? सर बी ऑप्शन में Mg2+ का साइज Na+ से ज्यादा दिया है। एक मिनट, बी ऑप्शन में इंक्रीजिंग साइज, अरे ये तो गलत दिया है ना सर। पर आंसर में ABCD दिया। नहीं 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 नहीं, तो गलत है ना, जस्ट उल्टा दिया है। रॉन्ग है वो, करेक्शन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स बोलिए। मेरा ही है। आपको लिखाया था मैंने एसिडिक नेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कराया कि नहीं कराया ये मैंने? हाँ सर। तो बस आप एसिडिक और बेसिक कंपेयर कर सकते हैं, न्यूट्रल को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें एसिडिक और बेसिक की बात हो, बस न्यूट्रल के लिए नहीं होता कुछ भी। तो बी ऑप्शन होगा ना? जो भी बचा वही आंसर हो गया, बी भी हो गया और डी भी हो गया। लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है तो लेस बेसिक हो गया सर। ठीक है ना? हाँ सर। सेवेंथ पे आ जाओ सर। मेरा ही। अच्छा ये नहीं कर पाओगे, H2S boils, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा आपसे। केमिकल बॉन्डिंग डाल के छोड़ दीजिए सेवेंथ को। नाइन्थ पे आइए। अरे ये भी मेरा ही है। ना हो पाएगा, केमिकल बॉन्डिंग डालो छोड़ो। 14 पर आ जाओ। ये हो जाएगा, इसमें क्या डाउट है? ये तो बेटा किया हुआ क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम है? बोलिए। सर सर एक्चुअली डाउट नहीं है, मुझे ऐसे पूछना है। जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तो तभी जब बी ऑप्शन के लिए चेक करेंगे तो साइज चेक करेंगे तो मिल जाएगा आंसर, पर ऐसे इसको कॉन्फ़िगरेशन लिख के करेंगे ना तो ये। अभी मैं मना भी किया हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन लिख के करोगे ना तो फिर आपको बहुत सारे फैक्टर्स दिखाई देने लगते हैं। ओके हाँ। तो सो साइज के साथ ही कंपैरिजन करते हैं। हाँ, 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 हाँ। क्वेश्चन नंबर 15 किसका डाउट है? सर मेरा। ये आपको बताया नहीं था क्या मैंने? ऑक्सीडेशन नंबर से तो होगा। देखो MnO2 में Mn+4 है, MnO4 में Mn7 है,
सर ऑक्सीजन नंबर कैसे, आपने बस ऑक्सीजन का नंबर देखने बोला मतलब। हाँ तो मैंने अभी भी मैं वही कह रहा हूँ, अब चेक करिए जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होंगे उसका नंबर बड़ा हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए जो शॉर्टकट बोला था उससे भी चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन होगा ना, ये हो गया सबसे बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर है, सबसे छोटा साइज हो गया, मिनिमम रेडियस हो गया। ठीक है हाँ सर। नेक्स्ट आते हैं अपन, 15 हो गया, 16, 17, 16 में क्या प्रॉब्लम है? सर डी वाला ऑप्शन। कौन सा? बी, बी बॉम्बे, बी दिल्ली, दिल्ली ऐसे टाउन। अच्छा ये नहीं पढ़ा आपने, एफ ब्लॉक का है बेटा, छोड़ दो उसको, एफ ब्लॉक का है नियोबियम। एटीन छोड़ना पड़ेगा। सेवनटीन छोड़ना पड़ेगा ना बोला तो। अच्छा 17 में नहीं लगाया मैंने, 17 और 18 दोनों छोड़ना है हमको, ये दोनों आपके सीबी हैं। 21 में क्या प्रॉब्लम है? हाइड्रेशन में मैंने मोबिलिटी बताया होगा आपको। सर मोबिलिटी मींस कंडक्टिविटी है? कंडक्टिविटी। ओके सर हो जाएगा, हो जाएगा। 21 के बाद 24 सर मेरा। देखो आप क्वेश्चन के लाइन पढ़ो, पहला लाइन पढ़ो जरा, 24 बताते हैं आपको। The singly bonded metallic radii of an element x is 150 picometer. Assuming the increment between radii of different magnitudes is 50 picometer. बस उतनी जरूरत ही नहीं है। The single bonded metallic radii. Single bond कौन सा होता है? आयनिक होता है, कोवेलेंट होता है? Single bond कौन सा होता है? अरे भैया कोवेलेंट नोट्स खोल के देखो। Single bond, double bond, triple bond, covalent bond है। तो इसका मतलब जो आपको गिवन है वो तो कोवेलेंट रेडिया ही गिवन है ना। हो गया क्वेश्चन, समझा कि नहीं? हाँ सर। 24 अगर आ गया तो 25, 26 उसी से रिलेटेड है। सबका हो गया ना यहाँ तक? हाँ सर। अच्छा ये बताओ विंडो टू जेई मेंस किया है, विंडो टू जेई एडवांस किया है? नहीं सर। मैच द फॉलोइंग किया है? हाँ सर वो सब पे। ये बाकी क्या लोगों ने सॉल्व नहीं किया है क्या, जितने लोग बैठे हुए हैं क्लास में? सर किया है। जरा हाथ उठा करके बोलो जरा, कितने लोगों ने जो है कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किया है? रेज योर हैंड्स। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ओनली टू गाइज। ओके डाउन योर हैंड। अब जरा वो लोग हाथ उठाइए जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, फटाफट से कॉम्प्रिहेंशन जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया हाथ उठाइए। एक, दो, फटाफट से उठाओ, फिर मैं टाइम दूंगा कम से कम आपको। और कितने लोग हैं? बिंदास हाथ उठाओ। 37 लोग हैं, 35 लोग क्लास में, जल्दी उठाओ हाथ। 14, बस बाकी लोगों ने किया है क्या? 16, देखो जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया फिर इसका मतलब मैं मान लूंगा उन्होंने किया, मैं उनसे पूछना शुरू कर दूंगा फिर। 16 ठीक है। अच्छा जिन लोगों ने नहीं किया है उनको अगर अभी मैं टाइम दूं तो वो ट्राई करेंगे क्या ड्यूरिंग लेक्चर? बोलिए भाई। यस सर। यस सर। तो देखिए पहले पैसेज और मैच, ये दो चीजें अभी डिस्कस करेंगे हम। आप लोग सब लोग जरा पैसेज पहले ट्राई कर लीजिए, पैसेज टू मत करिएगा और पैसेज फोर मत करिएगा, वो बिल्कुल अभी आउट ऑफ ट्रैक है, आपका बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है बाकी के पैसेज करिए आप और उसके बाद मैचिंग स्टार्ट करिए, करिए फिर मैं अभी डिस्कस करता हूँ। स्टार्ट करिए प्लीज सॉल्व करना सब लोग।
सर बोलिए। सर वो जो 21st वाला जो मैंने पूछा था उसमें ऑप्शन ए दिया है सर, वो डी नहीं दिया है। 21st वाला क्या दिया? लिथियम सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, क्या दिया आंसर? ऑप्शन ए दिया है। होना चाहिए क्या? सर मुझे लगता है डी होना चाहिए। हाँ डी होना चाहिए, उसमें पोटेशियम मिसिंग, कर हाँ सर। दीजिए। नहीं सर, ए ही होना चाहिए। क्यों क्यों आना चाहिए बोलिए। सर क्योंकि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे फर्स्ट ग्रुप के तो बेटा पहले तो ऑप्शन ए और डी में डिफरेंस क्या है वो देख के बताओ। डिफरेंस क्या है? एलिमेंट्स ऐड किए हैं। पोटेशियम को क्या सही जगह पे नहीं रखा है क्या? हाँ सर रखा। तो फिर तो इसीलिए तो बोला, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट हो गया। ए इज राइट बट डी इज ऑल्सो राइट, क्योंकि पोटेशियम भी है इसमें। अच्छा तो मुझे लगा ए रॉन्ग है सर। नहीं, इसीलिए बोला मैंने। अभी जरा फटाफट से कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज सॉरी मैच करना शुरू करिए सब लोग, मैं डिस्कस करता हूँ। सर बोलिए। सर एक अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आया कि कुछ एक बड़ा एटॉमिक नंबर आ गया और उसका मैं ग्रुप, आपको बताऊंगा, पहले आप सॉल्व कर लीजिए, अभी मैं डिस्कस कर लूंगा। नहीं जनरल डाउट है, कुछ क्वेश्चन का नहीं है।
पैसेज वन हो गया सबका? हाँ सर। यस सर। पैसेज वन डिस्कस कर लें पहले, इतना तो सभी का। चलो आया है आपको कि नहीं आया पैसेज वन? आया सर। कुछ चीजें मैं लिख देता हूं पहले, आपको समझना आसान हो जाएगा। मोस्ट रिएक्टिव मेटल अगर हमें देखना है तो पीरियोडिक टेबल में मोस्ट रिएक्टिव मेटल 1A में होता है, और 1A की आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट होती है। समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन है विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो देखो लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वाला कौन सा है? E. हो गया क्वेश्चन? यस सर। पहले का ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन बोला विच वन ऑफ द रिएक्टिव नॉन मेटल, अब नॉन मेटल अगर बोल रहे हैं तो कौन सा होगा? सेवेंथ ग्रुप होगा। हाँ सर। सेवेंथ मतलब हैलोजन, तो इसका क्या होगा? लोएस्ट हाई था, इसका होगा सेकंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। ये दोनों फैक्टर चेक करें जरा, ये दोनों फैक्टर चेक कर पा रहे हैं सर? F4। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी दिख रही है आपको? F। यानी फिर से आंसर डी हो गया। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, अब रिएक्टिव तो फिर एक ही है। F। सेम हो गया। विच कैन फॉर्म यूनिपॉजिटिव स्टेबल, देखो यूनिपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यानी कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, यानी कि वो पक्का ग्रुप वन का एलिमेंट होगा। मतलब फिर से वही लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। फिर फिफ्थ पे आते हैं, मोस्ट स्टेबल बाईवेलेंट, बाईवेलेंट ग्रुप टू हो गया। अब ग्रुप टू के लिए क्या हो गया? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, यानी सेकंड, फर्स्ट के बाद सेकंड, यानी आईई वन आईई टू, ये ग्रुप टू होना चाहिए, ये वन है। ऐसा वाला देखो जरा ऑप्शन कौन सा है? डी वाला, ठीक है ना, पांच से थोड़ा सा ज्यादा, बारह। हाँ बराबर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, नोबल गैसेस, तो मतलब हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी दिख रही है आपको, और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लीस्ट होनी चाहिए? लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाईएस्ट आई। देखो जरा किस पे सेट हो रहा है ये मामला? ए। ऑप्शन सी। ठीक है, तो पैसेज वन मैंने डिस्कस कर लिया है, आप आगे का ट्राई करिए फटाफट से, फिर मैं डिस्कस करता हूँ आगे के भी।
सर डन सबका हो गया यस पैसेज टू तो किया नहीं होगा थ्री किया होगा ना सबने यस सर क्वेश्चन नंबर 10 आया सबको हाँ सर कैसे किया सर एक ऐड कर दिया क्या बोल रहे हैं कैसे किया है सर एक ऐड कर दिया और कुछ नहीं मुझसे आ गया नहीं नहीं ऐड किया एक एलिमेंट तो आ गया अच्छा If same structure will maintain for further discovery of new element, then what is the maximum number of elements can be accommodated by 10th period of periodic table? तो आपने क्या किया है बता रहे हैं? देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक ट्रिक है ये n plus 2 का होल स्क्वायर बाई 2 और n plus 1 का होल स्क्वायर बाई 2. अगर आपको इवन बोल रहे हैं पीरियड तो ये अगर ऑड बोल रहे हैं तो ये आपको 10th पीरियड बोला है तो n यानी 10 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 कर दीजिए आपको आंसर आ जाएगा कितना आ रहा है 72 ये है आप लोगों ने कैसे किया वो देखिए आप कोई ऐसे अप्लाई करेंगे तो इजी रहेगा समझा भाई यस सर 11th क्वेश्चन ईच ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स तो फोर्थ पीरियड में कितने आएंगे ये आया आप लोगों को कैसे किया आपने सर ये नहीं आया देखो फोर्थ पीरियड अगर हमको बोल रहा है तो फोर्थ पीरियड में एस पी और डी ये तीन सबशेल्स हो सकते हैं हमने अभी लिखा था ना 3D सीरीज याद आ रहा है तो एक एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं एक पी में कितने होते हैं तीन डी में कितने होते हैं पांच सम करो तो कितना हो गया नाइन हुआ अब वो कह रहे हैं एक ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं समझा यस सर क्वेश्चन नंबर 12 तो आ गया होगा सबको 12 आ गया हाँ सर आ गया 13 जो है इसका ये फॉर्मूला आप याद रखिए जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ना यू हैव टू रिमेम्बर दिस ओके इसके बाद पैसेज 4 तो छोड़ने के लिए बोला था पैसेज 5 कर लिया क्या हाँ सर सर उसमें 19 समझ में नहीं आया बाकी आ गया क्या हाँ सर मुझे भी 19 नहीं अच्छा 19 एक्चुअली क्या ना पढ़ा नहीं है आपने इसलिए नहीं आ रहा होगा एम्फोटेरिक वैसे हमें याद ही रखने होते हैं मैं एक बार सारे लिखा रहा हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वाला पेज बोला था ना वहां पे नोट कर लीजिएगा जाकर के आप इसको सबको नोट कर लीजिए वहां जाके ये नोट कर लीजिए एस और पी ब्लॉक के एम्फोटेरिक एलिमेंट्स हैं
हेलो लॉग आउट हो गया था, ये समझ में आया 19th क्वेश्चन आपको? हाँ सर। ठीक है, इसको जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट वाले पेज पे लिखो, और एक और पॉइंट लिखो, मैंने शायद उस दिन लिखाया भी था आपको, N2O, NO एंड CO, पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ ये तीन ही न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, ये भी लिख लीजिए वहां पे फर्स्ट पेज पे जाकर के। ठीक है, यस सर। ये पैसेज हो गया पूरा? यस सर। मैच का क्या स्टेटस है सर? हो गया, सबने करा मैच? हाँ सर। सर सेवेंथ वाले में, सेवेंथ वाले में प्रॉब्लम आया है? हाँ सर, सेवेंथ का बी होना चाहिए। बी होना चाहिए, इनर्ट गैस। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, बी आंसर है। करेक्शन कर लीजिए जरा सब लोग। सर बट वैसे देखा जाए तो डी का तो थ्री है। एक मिनट रुको, डी का थ्री है मतलब समझा नहीं मैं, मैच कह रहे हो? इनर ट्रांजिशन तो एफ ब्लॉक होता है ना सर, तो वो सी हो गया। इसमें क्या दे रहे हैं, डी का फोर दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा क्या फिर तो? डी का थ्री, ए का टू होना चाहिए। ए का टू हमारे पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो कुछ मिसमैच करा हुआ है। हाँ सही, मिसमैच दे, जाने दो मिसमैच, जैसे ऑप्शन छोड़ दो। अपने को समझ तो आ रहा है ना किसके साथ क्या होना चाहिए, वो तो गड़बड़ दिया है। यस। अच्छा अब मेरी बात सुनिए, विंडो टू जेई मेन और विंडो टू जेई एडवांस, ये दो पार्ट जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर पे ये दोनों डिस्कशन भी करेंगे, नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे हम। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपके जो भी 30-40 क्वेश्चन रह गए हैं आप कर लीजिए इसको और खत्म करिए इसको पूरा चैप्टर। ठीक है, तो बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर पे करते हैं इसको। ओके okay. So, हाँ जी सर, ये अभी जेई मेंस का भी मेजर टेस्ट फॉर एटॉमिक किधर तक आ रहा है सर? ये बेटा आप एक बार जीवाई सर से पूछ लेना। ओके सर, ओके सर। क्या चल रहा है वहाँ पे, इसमें कौन सा टॉपिक चल रहा है आपका? सर वहाँ पे अभी तो आइडियल गैस वो सिखा रहे हैं अभी सर। आइडियल गैस सिखा रहे हैं ना? हाँ हाँ सर, एक बार पूछ लीजिएगा सर, बताएंगे आपको कि कहाँ तक आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। Thank you.